नमस्कार। नमस्कार सर। हम जानेंगे आज की क्लास में कि संक्षेपण क्या है, संक्षेपण की प्रक्रिया कैसे होती है और संक्षेपण करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सीधे शब्दों में कहूं तो संक्षेपण पल्लवन का बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, पल्लवन में जहां हम किसी उद्धरण को, किसी लोकोक्ति को, किसी गद्यांश को विस्तृत करते हैं, इसका ठीक उल्टा काम हम संक्षेपण में करते हैं। किसी दिए गए गद्यांश को उसके मूल भावों के साथ संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का जो काम होता है उसे हम संक्षेपण कहते हैं। सामान्यतः संक्षेपण जो है वह मूल रचना का तिहाई होता है। ठीक है, यानी कि 1/3 इतने में हमें संक्षेपण करना होता है। ठीक है, संक्षेपण हमारी सामान्य दिनचर्या में भी देखा जाता है। उदाहरण के साथ अगर आपको बताऊं कि आपने कोई फिल्म देखी, आपने कोई नाटक देखा, ठीक है, लेकिन जब उसी फिल्म के बारे में आप अपने किसी दोस्त को बताते हैं तो जिस फिल्म को देखने में आपको 2 घंटे का समय लगा है, उसी फिल्म की कहानी को बताने में क्या आपको 2 घंटे का समय लगता है? नहीं लगता है। आप बहुत से बहुत 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे में उस फिल्म की पूरी कहानी को क्या करते हैं? बता देते हैं। तो आप क्या करते हैं, सभी बातें नहीं बताते, मूलभूत जो बातें हैं, जो मूल भाव है उस फिल्म का, जो क्लाइमेक्स है कि कहानी कहाँ ऊंचाई पे पहुंचती है, उन बातों को और अंत में जो कैसे अंत हुआ उस फिल्म का, वह बात आप बता देते हैं। ठीक यही काम संक्षेपण की प्रक्रिया में होती है। जब कोई गद्य हमारे सामने हो, कोई विस्तृत गद्य हमारे सामने हो, लेख हमारे सामने हो, पत्र हमारे सामने हो, तो उसके मूल भावों को समझकर, ठीक है, मूल भावों को रेखांकित कर और 1/3 तिहाई हिस्से में क्या कर देना, प्रस्तुत कर देना संक्षेपण कहलाता है। और ध्यान रखें, संक्षेपण की शब्द सीमा दी गई होती है। पल्लवन में यद्यपि शब्द सीमा नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें आवश्यकता अनुसार ही पल्लवन करना चाहिए, जबकि संक्षेपण में क्या होती है, शब्द सीमा दी गई होती है। तो जो शब्द सीमा दी गई होती है उसे 2, 4, 5 अधिक शब्द भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2, 4, 5 शब्द कम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दिया गया है कि 100 शब्दों में आप संक्षेपण करें और आप संक्षेपण कर रहे हैं 150 शब्दों में, 140 शब्दों में, 200 शब्दों में, तो वह संक्षेपण क्या है, जो मूल गद्यांश है उससे भी बड़ा आपका क्या हो रहा है, संक्षेपण हो रहा है। तो वह संक्षेपण नहीं होगा, वो क्या हो गया, पल्लवन हो गया। आगे बात समझ में। तो जो शब्द सीमा है उस शब्द सीमा को हमें क्या करना चाहिए, लांघना नहीं चाहिए। इसे ठीक ऐसे ही समझें जैसे गागर में सागर भरना होता है। कहते हैं ना कि गागर में सागर भरना, कम शब्दों में सारी बात कह देना। आप याद करिए बिहारी के दोहों को, पढ़ा है ना बिहारी के दोहों को आपने, वो क्या करते हैं, 2-2 पंक्ति में कितनी बातें कह देते हैं, यानी कि सामासिकता। संक्षेपण का गुण क्या होता है, सामासिकता, संगठन, संगुम्फन, भाव और विचारों का क्या होता है, संगुम्फन। इसीलिए तो बिहारी के बारे में किसी ने कहा है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो गागर में सागर भरना, कम शब्दों में मूल बात या मूल भाव को क्या कर देना, प्रस्तुत कर देना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, विद्वानों ने भी संक्षेपण की परिभाषा दी है और जो परिभाषा उनकी है उसमें मूल भाव यही आएगा, विस्तार में कही गई बात के मूल भावों को निचोड़कर संक्षेप में प्रस्तुत कर देना संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल ने संक्षेपण की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना होती है, उसमें मूल अवतरण की सभी बातों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये कहना है डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल का। एक प्रमुख विदुषी हुई डॉक्टर मधुबाला नयाल। डॉक्टर मधुबाला नयाल का कहना है कि किसी विस्तृत अवतरण, कथन, पत्र, भाषण आदि को सुनियोजित तथा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। अब आप देख रहे हैं जो बातें मैंने आपको बताई, गद्य हो, पत्र हो, निबंध हो, कोई गद्यांश हो, कोई भी बात हो, उसके मूल भावों की रक्षा करते हुए जो दी गई शब्द सीमा है उसके अंदर उसको संक्षिप्त कर देना क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। प्रोफेसर कामता कमलेश ने भी संक्षेपण की परिभाषा दी और उनका कहना था किसी विषय या विवरण के मूल तथ्यों या मूल भावों की रक्षा करते हुए प्रवाहमय संक्षिप्त व्याख्या को क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। यानी कि प्रवाहपूर्ण हो और संक्षिप्त व्याख्या हो, उसे हम क्या कहेंगे, संक्षेपण कहेंगे। तो जो कुल बातचीत हमारे सामने आई विद्वानों की राय के अनुसार वह भी यही है कि किसी उद्धरण का, गद्य का, पत्र का, भाषण का मूल भाव क्या कर लेना, निचोड़ लेना, और जो दी गई शब्द सीमा है उस शब्द सीमा के अंतर्गत उस बात को
अपने शब्दों में सरल ढंग से प्रस्तुत कर देना, प्रवाहपूर्ण भाषा के साथ, रोचक भाषा के साथ, सूत्रबद्धता के साथ, क्रमबद्धता के साथ, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षेपण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि संक्षेपण करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो आती है वह है आकार का निर्धारण। जो शब्द सीमा दी गई है, सामान्यतः एक तिहाई होता है, जो शब्द सीमा दी गई है उसको हमें क्या करना चाहिए? लांघना नहीं चाहिए। तो आकार निर्धारित कर ले, पहले पढ़ ले मूल उद्धरण को, ठीक है, फिर उसका आकार निर्धारित कर ले, मन ही मन सोच ले, और तब क्या करें? तब उसका हम संक्षेपण करें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो गद्यांश आया है, ठीक है, या जो भाषण है या जो पत्र है जिसका संक्षेपण हमें करना है, उसके मूल भावों को समझ लें और मूल बिंदुओं को क्या कर लें? रेखांकित कर लें, ताकि वह मूल बिंदु या मूल भाव संक्षेपण करते समय छूटना नहीं चाहिए। पहली बात तो हो गई। अब सवाल यह उठता है कि कैसे करें, कैसे होगा वह संक्षेपण? इस प्रक्रिया में जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, पहला आता है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना। आपने पढ़ा होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आई बात समझ में कि नहीं? तो क्या करना चाहिए, कैसे कम होगा? कम तो तभी होगा ना जब हम वाक्यों को हटाकर उनके जगह पे ऐसे शब्द का प्रयोग करें जो पूरा अर्थ उसका देते हैं। जैसे कि एक वाक्य में दे रहा हूं, राम अपने सारे काम खुद करता है, वह किसी और पर निर्भर नहीं होकर खुद पर निर्भर है। तीन वाक्य हो गए। तीन वाक्यों के लिए अगर एक वाक्य आप कहें कि राम आत्मनिर्भर है, तो इसके लिए क्या हो गया? पर्याप्त है वह। यही तो, ऐसे ही तो होगा संक्षेपण ना। आपने तीन बातें पढ़ी राम के बारे में, ठीक है, और क्या लिख दिया? स्वयं राम क्या है? आत्मनिर्भर है। हो गया कि नहीं संक्षेपण? हो गया। अब जो 40 शब्द आए, 30 शब्द आए, उस 30 शब्द के जगह पे क्या हो गया? 4-5 शब्द में हमारा काम चल गया। तो इस तरह से संक्षेपण की प्रक्रिया होती है। तो पहला क्या करना चाहिए? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे एक और उदाहरण दे रहे कि सीता बहुत कम भोजन करती है, तो क्या लिखेंगे? सीता अल्पाहारी है, कम खाती है, बात खत्म, ठीक है ना? तो क्या करना है? आपको प्रिसाइज करना है, आपको संक्षिप्त करना है, ठीक है। दूसरी बात जो इसमें संक्षेपण की प्रक्रिया में ध्यान रखने वाली है कि संक्षेपण कैसे हम कर सकेंगे, वह होगा वाक्य संयोजन में परिवर्तन। वाक्य संयोजन में परिवर्तन से मतलब यह है कि आपको 3-4 वाक्य दिए गए हैं, उन 3-4 वाक्यों का अर्थ निचोड़ करके एक वाक्य में या छोटे वाक्य में क्या कर देना? प्रस्तुत कर देना। इस तरह से हम संक्षेपण की प्रक्रिया को अंजाम दे सकेंगे, नहीं तो हम संक्षिप्त कर ही नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं एक वाक्य दे रहा हूँ। दिल्ली में सर्दी के कारण घना कोहरा था, इस कारण दिल्ली में यातायात व्यवस्था ठप हो गई और मैं समय पर आपसे मिलने नहीं आ सका। ठीक है, तीन वाक्य लगभग है कि नहीं? तीन वाक्य। इसको कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? घने कोहरे के कारण ठप यातायात व्यवस्था के कारण मैं आपसे मिलने नहीं आ सका। हो गई बात खत्म। तीन वाक्य यहां कहे गए हैं, उसमें कितने सारे शब्द आए हैं, उसी भाव को आपने क्या कर दिया? यह कह दिया कि घने कोहरे के कारण ठप यातायात व्यवस्था के चलते मैं समय पर आपसे मिलने नहीं आ सका, बात खत्म। तो क्या करना है? वाक्य संयोजन पर भी आपको क्या करना है? ध्यान देना है कि दो वाक्यों में, तीन वाक्यों में जो कही गई बात है उसके मूल भाव को निचोड़ना और साधारण वाक्य में उसको क्या कर देना? प्रस्तुत कर देना। ठीक है प्यारे बच्चे, अगला जो चरण है संक्षेपण करते समय वह हमें ध्यान रखना चाहिए कि पुनरावृत्ति का निस्तारण करना चाहिए। यानी कि जो पुनरावृत्ति हुई है जिन बातों की, जिन वाक्यों की, या जिनका एक जैसा ही अर्थ है, उसे हमें क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि राम बहुत समझदार है, वह कोई भी निर्णय समझदारी से लेता है, आई बात समझ में? तो इसका कुल अर्थ यही है कि राम क्या है? समझदार है। तो राम बहुत समझदार है, वह अपने सारे निर्णय समझदारी से या सोच समझ के लेता है, तो इसकी जगह हम सिर्फ अगर इतना लिखते हैं कि राम बहुत समझदार है तो भी बात वही होगी। तो तात्पर्य यह है कि जो आवृत्ति है अनावश्यक भावों की या अनावश्यक वाक्यों की, उसे हम संजो कर एक वाक्य में लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में जो अगली बात है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए वह है निरर्थक शब्दों को निकाल देना। अनावश्यक शब्द जो आ रहे हैं उन शब्दों को हम निकाल सकते हैं और वाक्य को छोटा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से यह सब देखा, तो देखना तो आंखों से ही होता है कि नहीं है? आप देखते हैं तो अपनी आंखों से देखते हैं, तो यहाँ अनावश्यकता है। तो यहाँ पे सीधे वाक्य क्या हो सकता है? मैंने स्वयं ये सब देखा, अपनी आंखों से का कोई मतलब नहीं है,
आंखों से ही देखते हैं, है कि नहीं, पैर से ही चलते हैं, ठीक है। मैं स्वयं अपने पैर से चलकर वहां तक पहुंचा, आई बस समझ में, मैं स्वयं वहां पहुंचा, ठीक है। तो चलते किससे हैं? पैर से हैं। देखते किससे हैं? आंख से हैं। खाते किससे हैं? मुंह से हैं, हाथ से हैं। तो इस तरह के अनावश्यक शब्द प्रयोग जो आए हैं उन्हें भी हम हटा सकते हैं, तब जाकर हम संक्षेपण कर सकेंगे। और आवश्यकता पड़ने पर मुहावरे और लोकोक्तियों के स्थान पर सामान्य वाक्य का प्रयोग करना, या मुहावरे और लोकोक्तियों को निकाल भी सकते हैं। जब आप देखें कि जो दी गई शब्द सीमा है उससे अगर आपका संक्षेपण बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो आप मुहावरे और लोकोक्तियों को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कहें कि राम अपने पिता के लिए अंधे की लाठी है, तो अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? एकमात्र सहारा। तो अंधे की लाठी की जगह हम सीधे कह देंगे कि राम अपने पिता का एकमात्र सहारा है। तो यहां हमने क्या कर दिया? इस मुहावरे को हटा दिया और संक्षिप्त कर दिया। आई बात समझ में? ठीक है। और अंत में जो महत्वपूर्ण बात आती है वह है शीर्षक का चयन। शीर्षक का चयन भी संक्षेपण का एक महत्वपूर्ण आयाम होता है। जो भी उद्धरण दिया गया है, पत्र दिया गया है, भाषण दिया गया है, उसको पढ़ना, उसको संक्षिप्त करना और उसका ऐसा शीर्षक देना जो मूल भावों को क्या करता हो, रक्षा करते हुए मूल भाव को प्रतिध्वनित करता हो, ऐसा शीर्षक हमें देना चाहिए। और शीर्षक सारपूर्ण होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। तो इस प्रकार इन बातों का ध्यान रखते हुए हम संक्षेपण की प्रक्रिया को मुकम्मल अंजाम दे सकते हैं या इस प्रक्रिया को हम संपन्न कर सकते हैं। आगे बात समझ में? अब अच्छा जो संक्षेपण होता है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहला गुण है आकार का निर्धारण। वह सीमित जो आकार, जो शब्द सीमा दी गई है, उस शब्द सीमा या उस आकार के अंदर होना चाहिए। दूसरा, मूल भाव की रक्षा। जो संक्षेपण हमने प्रस्तुत किया है वह मूल भाव की रक्षा करता हो, चाहे वह भाषण हो, चाहे वह लेख हो, चाहे वह पत्र हो, चाहे वह गद्यांश हो, जो भी हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है जिसका संक्षेपण हमें करना है, उसके मूल भाव उसमें क्या होने चाहिए? संक्षेपण में समाहित होने चाहिए। तीसरी बात की क्रमबद्धता हो, क्रम हो, जो भाव आए हैं, जो विचार आए हैं वो क्रम से हो, ठीक है। और स्पष्टता एवं रोचकता, चौथी बड़ी विशेषता है कि पढ़ने में मजा आए, स्पष्ट हो, रोचक हो, पढ़ने में अच्छा लगे। और अंतिम बात शीर्षक देना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये अच्छे संक्षेपण के क्या होते हैं? गुण होते हैं, ठीक है। तो ये अभ्यास का मामला है। आपसे दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं परीक्षा में, संक्षेपण क्या है, संक्षेपण की प्रक्रिया का वर्णन करें, या अच्छे संक्षेपण के गुण बताएं, ठीक है। एक प्रश्न यह हो गया, इस तरह से भी प्रश्न हो सकते हैं। और दूसरा, कोई आपको भाषण का अंश दे दे, कोई पत्र का अंश दे दे, कोई गद्यांश दे दे, शब्द सीमा दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसका संक्षेपण प्रस्तुत करें। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान से एक दो बार पढ़ लेना चाहिए, जो मूल भाव है, जो मूल बिंदु है, उसको क्या कर लेना चाहिए? रेखांकित कर लेना चाहिए। और दी गई जो शब्द सीमा है उस शब्द सीमा के अंतर्गत उसका संक्षेपण करना चाहिए। संक्षेपण कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। अनावश्यक शब्दों को हटा देना, है कि नहीं है, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियों को भी हटा देना, उसके स्थान पे सामान्य शब्दों का प्रयोग करना, वाक्य संयोजन करना। कई सारे वाक्यों का भाव अगर एक जैसा आ रहा है तो उसके स्थान पे क्या कर देना? एक वाक्य लिख देना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना। इस तरह से आप संक्षेपण कर सकेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो पल्लवन तो हम समझ ही चुके थे, संक्षेपण भी हमने समझ लिया, ठीक है।